Yo, what's up everybody, it's your gamer bro here and welcome back to another gameplay video of Minecraft. So guys, आज हम दोबारा से Minecraft खेलने वाले हैं. And पिछली बार हमने Minecraft में थोड़ी survival की थी, but आज हम अपने Thailand पे खेलने वाले हैं. तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना एंड लाइक भी कर देना. चलो शुरू करते हैं आज के Minecraft. So guys, यार हम लोग अपने Thailand के अंदर आ चुके हैं. भाई मेरे को पता है मैं बहुत टाइम से Thailand बंद करके रह गई थी, बट आज हम लोग अपनी Thailand कंटिन्यू करने उसके बाद में देखते. और भाई स्पॉन होते भाई ये कौन सी जगह मिल गई यार डायरेक्ट. भाई यार ऐसी जगह दे देते हो यार तुम. ठीक है चलो मैं थोड़े वुड वुड काट लेता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ. ठीक है और गाइज यार मैं आपको एक चीज बताना भूल ही गया यार कि मेरा जो पुराना वाला जो सर्वाइवल वर्ल्ड था जो मैंने बनाया था वीडियो लैंड करके, वो सर्वाइवल वर्ल्ड का मैं मतलब थोड़ी दिन पहले चेन्नई गया था, आपने ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने उसका बैकअप में रख के गया था. आज जब मैं आया विंडोज अपडेट की वजह से पूरा उड़ गया, मतलब कुछ भी नहीं है. तो आज मेरे को दोबारा से यार स्टार्ट करना पड़ा. तो गाइज सॉरी. चलो कोई नहीं, ट्रायल लैंड पे करेंगे, लेकिन इस बार मैं पूरा ड्राइव में अभी जाके बैकअप किया, तो टेंशन मत लो. तो मैंने वुड थोड़े काट लिए, अभी मैं टूल्स बना लेता हूँ. एंड अभी मेरा मेन टारगेट है आज घर बनाना है, सर घर ढूंढना नहीं, घर बनाना है और विलेज ढूंढना है. इनमें से एक भी कंप्लीट हो गया तो हो जाएगा बस, लेकिन घर तो बना के रहेंगे. ठीक है और फार्मिंग भी कर ही लेंगे शायद, देखते. बट ये दोनों टारगेट कंप्लीट करेंगे बिकॉज भाई ये दोनों मेन है. उसके बाद में आर्मा आर्मा ढूंढते रहेंगे यार. यार मजे के काम है भाई, इतना सीरियसली मत लो. ठीक है भाई मजे से खेलना चाहिए माइनक्राफ्ट. और एक चीज मैं बताना भूल गया, आपने मेरी स्किन रिकॉग्नाइज की होगी शायद से, मैंने स्किन चेंज की है. ये मेरे को थोड़ी अच्छी लगी ये, मतलब मैंने थोड़ी बनाई है और थोड़ी इंस्पिरेशन लेके कुछ की है. बट आपको बताना कैसी लगी है स्किन. और अभी मैं विलेज ढूंढता हूँ, इधर विलेज मिल तो जाना चाहिए. और मैं गाइस एक चीज मैं बता दूं, मैं 1.20.1 खेल रहा हूँ, तो मैंने 1.19 खेलना छोड़ दिया, अभी मैं 1.20.1 खेलता हूँ. एंड थोड़ा रेंडर लैग हो रहा है तो थोड़ा एडजस्ट करो. ठीक है मेरे को इधर विलेज तो मिल जाना चाहिए. रुको 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 गाइस रुको, थोड़ा सा रेंडर लैग हो रहा है वो मैं भाई 2 मिनट में फिक्स कर देता हूँ. ठीक है इसको 10 कर दो, लेट्स गो. अब चलिए यस. सो मैं ये कह रहा था कि मेरे को इधर विलेज तो मिल जाना चाहिए, बट मेरे को नहीं दिखा विलेज, बट मिल तो जाना चाहिए. तो फटाफट से मैं थोड़े टूल्स बना लेता हूँ बिकॉज विलेज तो बाद में ढूंढते रहेंगे और मेरे को शुगर केन भी मिल चुके. घर भाई घर बनाएंगे पहले. ठीक है तो फटाफट टूल बनाकर आप लोग सुनो. तो गाइज मैंने सारे सारे टूल्स बना लिए, एक एक्स और एक पिकैक्स जो हमको जरूरत है, ज्यादा हमको जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग दही नहीं करते. ठीक है और मेरे को खाना भी चाहिए होगा थोड़े. ओइस काओ भाई मैं तेरे को नहीं मारने वाला. ठीक है मजाक कर रहा हूँ, मैं तेरे को नहीं मारूंगा. मेरे को इधर शीप या ठीक है पिक तो मिल गया, चिकन भाई नहीं 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 इनको नहीं मारेंगे. थोड़ा एकदम थोड़ा अच्छा खाना होना चाहिए. ठीक है भाई पहले ऐसे बकवास ऐसे नहीं. ठीक है एकदम पका के खाएंगे. अब हम वो भाई कच्चा कच्चा ऐसे चबा जाते थे वो चीज़ नहीं है. अभी अभी कोई आ जाए, ज़ॉम्बी आ जाए भाई कूट डालेंगे उनको. मैं कूट डालूंगा अकेले उनको, आज आ जाने दो भाई कूट डालेंगे. ठीक है सो मेरे को थोड़ा टाइम दो, मतलब नहीं नहीं रुको रुको विलेज तो इधर मिल जाना चाहिए गाइज, मेरे को इधर विलेज मिल जाना चाहिए बिकॉज मैं सवाना बायो में स्पॉन हुआ हूँ. और सवाना बायो में मेरे को मतलब जितना लोग मैंने माइनक्राफ्ट खेला मेरे को विलेज इधर ज़्यादा चांसेस है, बट मैंने मिल तो जाना चाहिए यार. रुको गाइज थोड़ा मैं ढूंढता हूँ विलेज और देखता हूँ कि है कि नहीं, बिकॉज होना तो चाहिए. नहीं पहले एक काम करते, पहले खाना पका लेते और थोड़े स्टोन के टूल्स में अपग्रेड हो लेते बिकॉज भाई वो इंपॉर्टेंट है. जो मेन मेन काम है वो कर लेते, विलेज बाद में ढूंढते भी रहेंगे. ठीक है चलो मैं थोड़े स्टोन के टूल्स में अपग्रेड होके आप लोगों से 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ, नहीं 2 नहीं 5 मिनट के अंदर मिलता हूँ. ठीक है बिकॉज थोड़ा टाइम लगने वाला है इस पे, तो मैं थोड़े स्टोन नहीं बहुत सारे स्टोन इकट्ठे करने वाला हूँ. चलो मेरे को टाइम दो थोड़ा, मैं मिलता हूँ आपको.
ऑल डन गाइज, मैंने स्टोन के टूल्स भी बना लिया, अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरे को एक रिवीन मिल चुकी है। मेरे को रिक्स लेना चाहिए कि नहीं, बट भाई हम जाएंगे ठीक है, हम अभी वो वाला टाइप के बंदे नहीं है, अभी थोड़ा हमने माइनक्राफ्ट खेलते खेलते चेंज कर ठीक है, तो अभी हम जाएंगे, हम अभी रिक्स लेते हैं। बट मेरे को आयरन मिल जाना चाहिए इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर नहीं मिला तो पोपट हो जाएगा। मेरे को कोल भी मिल चुका है, मैं कोल उठा लूँ पहले, उसके बाद नीचे जाएंगे ठीक है। भाई थोड़ा रिस्की है बट मैं ट्राई करूंगा जाने की, यार पूरा तो रिक्स लेते हैं यार, माइनक्राफ्ट खेल ले भाई, माइनक्राफ्ट में रिक्स नहीं होगा तो भाई कैसे खेलेंगे माइनक्राफ्ट बताओ तुम ठीक है, माइनक्राफ्ट रिक्स से नहीं खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, तो ये चीज याद रखना। बट मैं कोल कैसे तोड़ूंगा, मैं फंस गया, मेरे को कूदना पड़ेगा अभी, एक सेकेंड, नीचे जॉम्बी तो मेरे को नहीं दिख रहा है ठीक है, होना भी नहीं चाहिए, सुबह चल रहा है अभी, ज़ॉम्बीज मत आना ठीक है, वरना कूट डालूंगा तुमको, बैठे बैठे कूट डालूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्रीपर है भाई, कोल आयरन है, लेकिन रिक्स लुक है गाइस, आप बताओ ठीक है। आप एक काम करो, आप लाइक वाला बटन दबाओ, मैं नीचे जाऊंगा ठीक है, दबा दिया आपने लाइक वाला बटन, चलो चलते हैं नीचे भाई, भगवान का नाम लेके चलते हैं नीचे, भाई मरना नहीं चाहिए, एक सेकेंड, मेरे को उस साइड से जाना, मैं फंस गया यार, शिट मैं फंस गया, अब मेरे को उस साइड से घूम के जाना पड़ेगा, और मेरी पिकैक्स टूट गई तो भाई पोपट होने वाला है ठीक है। सो गाइस मेरे को थोड़ा टाइम देना, मैं थोड़े स्टोन तोड़ के थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, उसका मैं थोड़ा आपसे मिलता हूँ, समझ रहे हो ना, बिकॉज भाई मेरे को बहुत ज्यादा खोदना पड़ेगा, तो घूम के जाना पड़ेगा, तो चलो थोड़ा टाइम दो गाइस। यार भाई माइनिंग में भी मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि भाई देखो पहली बात तो मेरे को इतना घूम के जाना पड़ेगा, इतना घूम के मैं क्यों जाऊँ भाई, मेरी ऐसी क्या इमरजेंसी आ पा रही है कि मैं इतना घूम के जाऊंगा, तो मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं करने वाला हूँ अभी, मैंने गलत ब्लॉक लगा दिया, मेरे को खुद भी पता है ठीक है, मेरे को खुद भी पता है मैंने गलत ब्लॉक लगाया, तो अब मैं क्या करने वाला आप देखना ठीक है। अब मैं थोड़ी पार्कूर स्किल्स दिखाऊंगा ठीक है, ऐसे जाऊंगा, रात हो गई, शिट गाइज मैं बहुत बड़ा रिक्स ले रहा हूँ ठीक है, अगर अभी कुछ भी हुआ ना तो ऐसा समझ लो कि ये मेरी गलती है। शिट हो भाई मैं बच गया, क्रीपर इधर, मेरे को आयरन चाहिए बस, कुछ भी नहीं चाहिए, और उसके बाद मैं भाग जाऊंगा ठीक है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए बस आयरन दे दो, और ये ब्लॉक मेरे मत्थे पे लगने वाला है तो कूद लो एक बार। चलो भाई मेरे को कोल तो मिली चुकी, कोल तो यार इतनी इजीली मिल ही जाता है, कोल की दिक्कत नहीं है, बस आयरन चाहिए होगा, तो आयरन अभी ढूंढ लेते हैं, बिकॉज आर्मर जैसे मैंने बोला कि घर बनाना है और विलेज बनाना है, विलेज तो शायद से इतना लक नहीं होगा कि विलेज इतनी जल्दी मिल जाए, तो घर बना लेंगे और आर्मर भी बना लेंगे, और मैं कोल इसीलिए इकट्ठे करूँ क्योंकि कोल इम्पोर्टेंट है भाई ठीक है। चलो इधर कहाँ डाल लो यार, मैं माइनक्राफ्ट बहुत टाइम से नहीं खेला ना, मैं भूल जाता हूँ बार बार ठीक है, तो मैं थोड़ा कोल तोड़ लेता हूँ। अब पंगे यार, रात हो गई, अब मैं क्या करूँ, अब मैं नीचे गया अभी तो खत्म, ऊपर गया अभी तो खत्म, अभी क्या करूँ बताओ, सोच रहो नीचे चले जाओ, फटाफट जाना पड़ेगा लेकिन मेरे को। गाइस बताओ आपने लाइक वाला बटन दबाया है तो मैं जाऊंगा ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ कि भाई मैं डर गया इन ज़ॉम्बीज से, और ये ज़ॉम्बीज आ भी चुके हैं, इनको बताता हूँ, रुको मैं पहले, स्केलेटन भी है यार, मैं क्या, मैं फंस गया भाई, मेरे को आयरन लेना है, क्या करूं मैं, रुको 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 गाइज, मेरे पास एक टेक्निक है वो मैं अप्लाई करता हूँ ठीक है, रुको रुको गाइज, क्या करो अभी मैं फंस गया, मेरे पास ब्लॉक भी इतने भी नहीं है, मतलब है थोड़े, मेरे को नीचे खोदना पड़ेगा, मेरे पास एक ऑप्शन है, पिकैक्स टूट गए तो खत्म सब ठीक है, पिकैक्स नहीं टूट, नीचे बस लेट्स गो, नीचे तो आगे आ जा ज़ॉम्बी तू, मेरे को घूम के जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा मेरे को, आयरन कहाँ पे, आयरन आयरन है ना इधर, पोपट नहीं करना, ओके ये रहा आयरन मिल गया मेरे को, बस
नहीं गाइस, इतना इतना रिक्स लेने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा कवर अप करते अपने आप को, ठीक है? बाद में मरने वाला मेरे को खुद भी पता है। आ जा। वो ले ले। मैं नहीं डरा बिल्कुल। रुको, मेरे को थोड़ा सा खेलना पड़ेगा इनके साथ। नहीं नहीं गाइज, नहीं होगा गाइज, मैं आयरन नहीं ले सकता। रुको, मेरे को सुबह के लिए इंतजार करना पड़ेगा। गाइज, मैं रिवीन में बहुत गंदी तरीके से फंस गया, मेरे को भी निकलना पड़ेगा, बिकॉज वरना अगर मैं मर गया ना, मेरी सर्वाइवल सीरीज यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो चलो निकलते हैं। ऐसे हार्डकोर मोड नहीं है, मेरे को पता है कुछ, बट यार पहले दिन ही अगर मर गए तो क्या बात है। और ये ट्रायल एंड हमारा फेवरेट वर्ल्ड, तो भाई इस पे तो भाई कुछ धमाल मचाना था। ऐसे धमाल मचाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो निकलते ऐसे, पर इतना भी जान जोखिम में डालना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? सुबह होने दो, थोड़ा सुबह तो होने वाला है शायद, लेकिन मेरी पिकैक्स टूट गया ना, मैं ऊपर हो जाएगा मेरे साथ। चलो, दर्द तो आ ही गया, सुबह हो ही जाएगी शायद, जितना मैं बिता दिया होगी शायद। लेट्स गो, निकलते यहाँ से, बाद में आएंगे रिवीन में, ठीक है? बाद में आऊंगा, बाद में, अभी नहीं। रुको, जॉम्बी को एक बार मेरे को मार के जाना, ठीक है? आ जा बेटे। डर गया, ओ ले ले, डर गया, मैं तो डर ही गया। अब मेरे को नीचे मॉन्स्टर हंटर चाहिए था, मैं भाग गया हूँ अभी। मेरे को बस मॉन्स्टर हंटर चाहिए था, अभी मैं ऐसे निकल रहा हूँ। एंड गाइज, मेरे को इधर शीप तो नहीं दिखी है, मैं मरने वाला हूँ पक्का। इधर गधा है जो मेरी कोई मदद नहीं करेगा, बिकॉज वो गधा ही रहेगा, ठीक है? वो ऑब्वियसली गधा ही रहेगा। और मेरे को खाना चाहिए यार, मैं क्या करूँगा यार, मेरे को थोड़ा खाना दे दो यार, दे दो यार खाना थोड़ा, ठीक है? सो गाइज, मैं थोड़ा खाना इकट्ठे कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ा, बिकॉज मेरे को सर्वाइव करना है। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपको। गाइस, कुछ भी करके सुबह हो जाए, उसके बाद मेरा काम खत्म होगा, बिकॉज सुबह हो गया तो मैं घर बना सकता हूँ, मटेरियल इकट्ठे कर सकता, रात को मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं वो गड्ढे में छुपना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास बेड भी नहीं है, शीप भी नहीं है, और इधर विलेज नहीं मिलने वाला, मेरे को पता है। इधर पम्पकिन है, मैं पम्पकिन देखते देखते विलेज ढूंढने जाऊँ क्या? गाइस, मेरे को थोड़ा टाइम दो, ठीक है? मैं थोड़ा खाना पका लेता हूँ, उसके बाद विलेज ढूंढने जाएंगे डायरेक्ट, उसके बाद उधर ही घर बनाएंगे, ठीक है? तो मैं गाइस एक काम कर लूँ, अपने आपको थोड़ा कवर अप कर लेता हूँ, एंड मैं थोड़ा खाना पका लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बाद, ठीक है? चलो, और गाइस मेरे को और एक चीज याद आई है कि मेरा टारगेट क्या था, घर बनाने का और विलेज। तो विलेज तो मेरे को मिल ही जाएगा, ठीक है? विलेज इतना ढूंढना मुश्किल नहीं है, आयरन वायरन हम ढूंढते रहेंगे, वो तो भाई ग्राइंडिंग है, वो हम वो नहीं इंक्लूड नहीं करेंगे, हमको बस मेन काम है घर ढूंढना है। नहीं यार, बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ, विलेज ढूंढना है और घर बनाना है, बस बात खत्म, उसके बाद ग्राइंडिंग करते रहेंगे, हो ही गई ग्राइंडिंग, विलेज में तो हमको आयरन गोरम मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं, ठीक है? अभी मैं खाना पका रहा हूँ, बिकॉज मेरे को जॉम्बी से लड़ना पड़ेगा अभी जाते हुए, तो मेरा खाना पक ही गया होगा चार, ठीक है? गाइस, ये पक लेने दो, उसके बाद आप लोग से मैं मिलूंगा। और मैं एक बात समझ में नहीं आ रहा भाई, इतनी देर में रुका हुआ हूँ भाई, माइनक्राफ्ट का मतलब इतना देर तो नहीं होता भाई, असली रात चल रहा है क्या? सो गाइस, हमारा खाना पूरी तरह से पक चुका है, एंड ये पूरा खाना है, अभी जस्ट अभी निकलते हैं भाई। अब ज़ॉम्बीज आ जाने दो, अब मैं उनको कूटूंगा, मेरे को एक पिकैक्स भी बना लेनी है, बिकॉज भाई जरूरत पड़ जाएगी कभी ना कभी। मैंने सोचा था यार आयरन मिल जाएगा, आप लोगों ने लाइक वाला बटन दबाए,
यार नहीं दबाया होगा इसलिए हम नहीं ले पाए यार। ठीक है मैं देखूंगा बाद में, बट अभी नहीं भाई। लाइक वाला बटन दबाया होगा कि नहीं दबाया होगा, मर जाते तो सर्वाइवल सीरीज खत्म हो जाती, वो नहीं करनी है। ठीक है मजे से खेलना है, ट्रायल एंड वाला वर्ल्ड है तो वो तो भाई हम लोग का फेवरेट है, आप लोगों को पता ही है। और हम इस पे कासल बने, मैंने जैसा बोला था ना मैंने कंटिन्यू नहीं किया, बट चलो चलते अभी नीचे, ऊपर चलते सॉरी नीचे क्या भाई ऊपर चलते चलो। सो चलो 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 जल्दी जल्दी सुबह हो गई, सुबह तो भाई यही चाहिए, तो सुबह हो जाए बस। मैं इतना टाइम रुका यार, सुबह नहीं हुई, मैं देख रहा था कि कितना टाइम लगेगा, मैंने गूगल में सर्च करके भी देखा और गूगल के सर्च रिजल्ट से मेरे को पता चला कि माइनक्राफ्ट की जो मतलब रात है ना वो करीब करीब आधा घंटा नहीं आधा घंटा या 25 मिनट की होती या 10 मिनट की पता नहीं। और मेरे को शीप भी मिल चुकी है, चलो गाइस ना भी थोड़े शीप को मार के उल उल इकट्ठे कर लूं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मारते मतलब शीप मारते मारते भाई मेरे को क्रीपर भी मिल चुके हैं, अब इससे हम लड़ेंगे बिकॉज अब हमारे पास पावर नहीं है, नहीं है नहीं है यार, मेरे को लग रहा मैंने गलत जगह मेरे हिट लग जाता ना मैं बच जाता गाइस, मेरे को आता है ठीक है, नूब मत बोलो ठीक है, मेरे को आता है। और इस शीप को यार भाई मर जाओ यार जल्दी, मेरे को जल्दी से विलेज ढूंढना ठीक है, विलेज ढूंढने के बाद मेरा काम खत्म हुआ, मेरे को यही काम था, ये दोनों ही काम था और कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं है। और आयरन का आर्मर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बिकॉज इतना भी फोर्स नहीं लेना चाहिए ठीक है, आयरन का आर्मर हम बनाते रहेंगे बिकॉज वो सब इम्पोर्टेंट नहीं, एक बार घर बना लिया बात खत्म, बात खत्म घर बना लिया सब खत्म, आराम से जी सकते जिंदगी। लेकिन अगर घर नहीं है भाई कहाँ रहोगे, अभी मैं चाहूँ तो ऐसे रास्ते पे मतलब रह सकता हूँ बट नहीं बिल्कुल नहीं, चलो निकलते। सो मैं आपको थोड़ा टाइम दो मेरे को थोड़ा ठीक है, मैं विलेज मेरे को ढूंढने में टाइम लगने वाला है तो मेरे को थोड़ा टाइम दो मैं विलेज ढूंढ के आप लोग से मिलता हूं। यार मेरे को एक चीज लग रहा है ना, विलेज मेरे को इतनी इजीली से नहीं मिलने वाला बिकॉज थोड़ा समझ रहे हो ना, तो विलेज तो बाद में ढूंढेंगे ठीक है, बिकॉज भाई हमको सर्वाइव करना है माइनक्राफ्ट में, तो सर्वाइव करने के लिए सबसे पहला तो हम घर बना लेते, तो घर नहीं ट्रायल एंड तो ठीक है, मेरे को अभी घर वर बनाने का बिल्कुल अभी मन नहीं है बिकॉज अभी हम थोड़े ओपी लेवल वाले बिल्डर है, तो आज हम अपना कासल बनाने वाले एकदम खतरनाक तरीके से, जहाँ पे पहला तो मैं फार्मिंग वार्मिंग वाला एरिया बनाऊंगा, सीढ़ियां बनाऊंगा, ऊपर कासल होगा बस, बाकी का बनाते रहेंगे ठीक है। तो मेरे को उसके लिए मटेरियल्स चाहिए होंगे, बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए होंगे, छोटे मोटे नहीं, कॉबल स्टोन मेरे को बहुत सारे चाहिए होंगे, थोड़े नहीं मतलब लगभग लगभग तो 2-3 स्टैक चाहिए होंगे, तो मेरे को माइनिंग करनी पड़ेगी। और मैं अपना कासल बनाने वाला हूँ इस पहाड़ में, थोड़ा वो प्लेन करना पड़ेगा एरिया, तो मैं काम करूँगा इधर ही बनाऊंगा ठीक है, इधर से मैं बनाऊंगा, मेरे को एक अलग से फार्मिंग वाला एरिया भी बनाऊंगा ठीक है। तो मेरे दिमाग में जो आइडिया आ रहा है उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा मेरे को, तो मेरे को थोड़े से कॉबल स्टोन चाहिए होंगे ठीक है, बट भाई ग्राइंडिंग फिर भी करनी पड़ेगी, मेरे को लग रहा था भाई मैं बच जाऊंगा बट चलो करते हैं ग्राइंडिंग। और ये ज़ॉम्बी को यार मेरा हिट क्या हो गया यार लग नहीं रहा, एक सेकंड इधर आ, ओए भाई ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, क्या हो गया मेरा माउस ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने गलत जगह पकड़ के रखा होगा ही भाई, गलत जगह पकड़ के रहूंगा तो। एंड मैं थोड़ा रेंडर थोड़ा सा कम कर लूं, ओके लेट्स गो, थोड़ा सा मैंने रेंडर कम कर लिए ठीक है, अब ये फटाक से इधर रहते हैं, रहना नहीं है, थोड़ी कॉबलस्टोन माइनिंग, 2-3 स्टैक चाहिए होगा मिनिमम ठीक है। तो चलो यार कासल बनाना है तो इतना तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम मत दो, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए मेरे को, तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ इसके बाद। Well done guys, हमारे पास 64 cobblestone आ चुके हैं, अब हम अपने कासल की बाउंड्री बना सकते हैं ठीक है, कासल नहीं बना सकते बाउंड्री बना सकते उसकी, कासल तो भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, तो उसको हम वीडियोस में अपग्रेड करते रहेंगे
तो जो मेरे एरिया सिलेक्ट किया है तो मैं पहाड़ में तो नहीं बनाने वाला, बिकॉज मेरे को पहाड़ पूरा तोड़ना पड़ेगा। मैं एक प्लेन एरिया ढूंढना चाहता हूँ जहाँ पे इधर ही बनाते हैं, ठीक है। तो मेरे को शवल भी चाहिए होंगे, शवल चाहिए ही होगा भाई, शवल नहीं होगा तो कैसे होगा। वो शवल भी चाहिए होगा, चाहिए होगा भाई, बार बार यार गलत हो जाता है। मेरे को शवल भी चाहिए होगा, तो मेरे को ये एरिया क्लीन करने, तो मैं फटाक से एक कोबलस्टोन की शवल बना लेता हूँ। उसके लिए मेरे को 2 मिनट नहीं लगने वाले, बट इसको पूरा क्लीन करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो गाइज मैं शवल बना के आप लोगों से ये क्लीन करके एरिया मिलता हूँ। और एक चीज मैं बताना भूल गया, हम अपना जो कासल है वो थोड़ा स्काई कासल बनाने वाले हैं। तो हम एक सीढ़ी बनाएंगे जो हमारे कासल तक जाएगी। ये हमारा जो मैं एरिया क्लीन करो, इधर हमारा मतलब ऐसा समझ लो शीप ही रहने वाले हैं, खेती बाती करेंगे तो ऐसा कुछ होने वाला है। तो मेरे को और एक शवल बनानी पड़ेगी, तो चलो बनाते हैं और एक शवल, और उसके बाद मैं पूरा क्लीन करके आप लोगों से मिलता हूँ। बार बार टूट जा रहा है यार, तो एक काम ही कर ले, 2 शवल बना लेंगे, ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा मेरे को खुदाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो करते उसके बाद, एंड आप लोगों से मैं मिलता हूँ, ठीक है। 2 मिनट बाद नहीं, 2 तो नहीं बोल सकते, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है मेरे लिए। आप लोग के लिए 1 मिनट होने वाला है, 2 मिनट होने वाला है, मेरे लिए ये पूरा आधा घंटा होने वाला है। चलो मिलते हैं इसके बाद। तो गाइस यार फाइनली मैंने पूरा का पूरा कासल कंप्लीट कर दिया। इसको मेरे को 2 दिन लगा, ठीक है, ये असली के 2 दिन लगा, बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड और मेरे को ढूंढते ढूंढते मतलब 2 दिन तो लगा है, तो मैं टाइम पास तो नहीं कर रहा होगा। तो मैंने आयरन की एक बकेट भी बना ली है, वाटर बकेट। आयरन से मेरे को एक आयरन, 3 आयरन मिले थे, सॉरी 3 आयरन से मैंने एक वाटर बकेट भी बना लिया। और अब हम अपने कासल का आपको टूर देते हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, टावर पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, टावर और थ्रोन, बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, ठीक है। बिकॉज यार अभी थोड़ा महंगा कासल बनाएंगे, बिकॉज उसके लिए रिसोर्सेस नहीं है, समझ रहे हो ना। थोड़ा महंगा कासल बना लिए गाइज, रिसोर्सेज चाहिए होंगे जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। सो मैंने थ्रोन कैसा बनाया आप मेरे को बताना कमेंट्स में। ये है जो मेरे कासल का थ्रोन है, आप मेरे को बताना। और इधर तो मैंने बेडरूम का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाया है ना, इधर माइनिंग एरिया कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे को बनाना पड़ेगा। लेकिन भाई कासल मैंने कंप्लीट कर दिया, बाकी का मैं करता रहूंगा। और मैं हाथ मार ले तो बैठा, रिस्पॉन पॉइंट सेट मैंने अभी तक का नहीं किया था, मैं भूल गया था भाई। चलो सो आज अभी जो मतलब नेक्स्ट डे चल रहा है, अभी जो आज का जो दिन चल रहा है, आज हमको क्या करना है देखो। तो मैंने पूरा कासल तो मैंने कंप्लीट मतलब थोड़ा कर ही दिया था, तो अब तो पूरा कासल ही कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम थोड़ी फार्मिंग कर ले, मतलब जैसा मैंने बोला था, मेरे पास अभी गेट नहीं है, बिकॉज मेरे को पेड़ दोबारा से तोड़ने जाना पड़ेगा। और ये जो ओक के फेंस है, ये मैं बहुत ज़्यादा दूर से लेके आया हूँ, बिकॉज इधर ओक का ट्री नहीं है। तो यार समझ रहे हो ना भाई, बहुत वाट लग गई है भाई। मैं इतने टाइम से यही चीज़ कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, ब्लॉक लगा रहा हूँ, डिजाइन सोच रहा हूँ, और दूर से तो हमारा कासल एकदम खतरनाक लग रहा है। लेकिन जब इसको हम अच्छे से मतलब अच्छे ब्लॉक्स के साथ बनाएंगे, जैसे कि ये तो भाई सिंपल कोबलस्टोन एंड स्टोन ब्रिक का कासल है और उठ गए, लेकिन जब इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे तब इसको कैसा लगेगा मेरे को बताना भाई। लेकिन चलो मेरे पास थोड़े वुड है, मैं जल्दी से एक गेट बना लेता हूँ भाई। ये लो, ये बन गया। चलो चलो ये क्राफ्टिंग टेबल आ गया, और इधर ये डालो स्टिक, ये डंडी आ गई।
अब मैं इधर सर्च कर रहा, गेट मेरे को नहीं पता इसलिए मैं देख के रेसिपी मेरे को देखनी पड़ेगी बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद माइनक्राफ्ट खेल लूँ। और मैं फार्मिंग कहाँ पे करने वाला गाइस मैं बता देता हूँ, मैं इस एरिया पे फार्मिंग नहीं करूँगा। इस एरिया पे हमारे एनिमल्स आगे इधर कॉबर से आप देख रहे हो, तो इस एरिया पे हम अपनी फार्मिंग करेंगे। इधर हम ये तोड़ देते और ये ओक का फेंस, एसएससीए का फेंस गेट आ जाएगा। मैं चाहता तो ओक का फेंस गेट भी लगा सकता था बट नहीं लगाया बिकॉज वो बहुत दूर है और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हमारे सीड 64 दो स्टैक बहुत मुश्किल से इकट्ठे हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं बट मिल जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो फटाफट से एक काम को कंप्लीट कर लेते, उससे पहले मैं एक वाटर बकेट इधर लगा लूँ बिकॉज बहुत जरूरत पड़ेगी इधर। हाँ चलो लेट्स गो, अभी पहले इस साइड का करते उसका उस साइड का करेंगे। तो चलो मेरे गाइस थोड़ा टाइम दो, मैं करके आप लोगों से थोड़े मिनट के अंदर। गाइज मैंने इस साइड का पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब होने वाले लगभग और हो चुका है। सो मेरे को आपने बीच पे देखा होगा वाटर भी मेरे को लाने जाना पड़ा बिकॉज इस साइड का जो एरिया है सूखा पड़ रहा है, मेरे को दोबारा से पानी देने जाना पड़ेगा बिकॉज भाई यार इतना बड़ा मेरे को लग रहा था एक ऐसा बना दो कि एक सोर्स बन जाए ऐसा, बट अभी हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं बार बार पानी लाऊं बार बार काम करूं। तो एक काम करता हूं मैं अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स बना देता हूं, ठीक है। अभी के लिए मैं एक अनलिमिटेड वाटर बकेट रिसोर्स बना लेता हूं फटाक से, आस पास में ही बना लेता हूं। ये एक इधर डाला, ये बन गया, ठीक है। मैं अनलिमिटेड एक वाटर रिसोर्स बना लेता ताकि मेरे को बार बार इस जगह पे नहीं आना पड़े बिकॉज इधर नदी नहीं है, यहाँ से ही मैं पानी लेके गया था। सो इधर नदी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ चलो बन गया अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स, अब यहाँ से पानी निकाल निकाल के हम काम कर सकते हैं आराम से, बहुत अच्छे से एकदम इजी। और मैं सोच रहा हूँ कि इधर जब इधर जॉम्बी स्पॉन होंगे बिकॉज ये इधर टोर्च बिल्कुल नहीं लगाया मैंने, मेरे कोबलस्टोन का वाल भी लगाना है, बहुत सारा काम है। बट कासन कंप्लीट हो गया ये मेन बात है, बाकी का मैं करता रहूंगा धीरे धीरे, ठीक है। सो मैं इधर पानी कहाँ डालूँ यार, हाँ ये जगह सूखी पड़ रही है तो इधर मैं पटाक से पानी डाल देता हूँ। एंड चलो ये काम करके आप लोगों से मैं मिलता हूँ। ऑल डन गाइज, मैंने इस साइड का कंप्लीट कर दिया, अभी इस साइड का भी करना है। सो मैं सीट भी मेरे को प्लेस करना है, मैं अभी तक सीट प्लेस नहीं किया, तो चलो पहला सीट प्लेस करते एक। चलो भाई एडवांसमेंट तो मिल गया, तो अभी फटाफट से काम करके आप लोगों से मिलता हूँ। ये चीज कर ही रहा था और मेरे को और एक चीज याद आ गई कि इधर थोड़ा आयरन पड़ा हुआ है, क्यों ना मैं थोड़ा ये आयरन उठा लूँ बिकॉज भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन मेरे को ऐसे ही, मेरे को मतलब बहुत दिन हो गया, दो दिन तो हो ही चुके हैं रियल लाइफ में, तो ये चीज करते करते भाई मेरे को बहुत दिन हो गया और मैं तीन आयरन मिला, सिर्फ बार बार एक बोल लो तीन आयरन मिले तो। और ये दो आयरन से मैं स्वॉर्ड बना लूंगा, मैं अभी बना लूंगा जस्ट, लेकिन मेरे को अभी जो चाहिए वो थोड़ा कोबलस्टोन चाहिए
जो मैं क्यों आया ऊपर मेरे को बिल्कुल पता नहीं है, बट इधर ही चलो बना ही लेते हैं। सो मेरी होई टूट गई आपने देखा होगा, तो मेरे को दोबारा से एक होई बनाए होई बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो मैंने एक होई बना ली है, अभी दोबारा से चलते अपने काम। सो गाइस यार मैं ये कह रहा था कि भाई जल्दी से मेरे को अभी जाके आयरन की स्वॉर्ड बनानी है, बिकॉज रात तो हो ही गई है, अभी ज़ॉम्बीज आते ही होंगे और मैंने क्राफ्टिंग टेबल अभी तक नहीं रखा है उधर। जल्दी जल्दी चलो यार, जल्दी भाई जल्दी, और आयरन की स्वॉर्ड बना के आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, बिकॉज भाई बहुत कुछ कर लिए। और आगे आगे आपको मतलब कासल में अपग्रेड दिखता रहेगा, घर वर तो नहीं बनाने वाले मैं, जैसा मैंने बोल दिया। चलो एक आयरन की स्वॉर्ड है यार, एक काम करो गाइस, मेरे को थोड़ा टाइम दो, बन ही जाएगी, शायद 2 मिनट रहेंगे। ठीक है गाइस, थोड़ा रुक जाओ, एक आयरन की स्वॉर्ड बन जाए। ठीक है, तो थोड़ा वेट करो। ठीक है गाइस, मेरे को 2 आयरन मिल चुका है, अभी फटाक से एक आयरन की स्वॉर्ड बना लेता हूँ, बाकी मेरे को कुछ भी नहीं बनानी है। सो आज की वीडियो गाइस यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप अगर आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।